अब हम पहुंच गए हैं चारवा महीना यानी आपके गर्भावस्था का दूसरा ट्राइमेस्टर। यह महीने में पहले तीन महीने से थोड़ा आराम और उत्साह महसूस हो सकता है, क्योंकि जो पहले तीन महीनों में उल्टी और मूत्राशय ज़्यादा होने से पीड़ित थे, यह सब इस महीने में कम होता है। आपको थोड़ा नाक बंद होने के जैसा और दांत का सूक्ष्म होने के जैसा लग सकता है, और क्योंकि गर्भाशय बढ़ रहा है, आपको थोड़ा बहुत पेट के निचले हिस्से में और पीठ में दर्द भी हो सकता है, पर लेट जाने से ज़्यादातर यह दर्द कम हो जाता है। अब आपका कोप में रहे शिशु मानव के प्रति दिखना शुरू होता है और उसके हाथ और पैर की उंगलियों और अच्छे बन जाते हैं और बाहें और पलकें अच्छी तरह से दिखना शुरू होता है और सारे शरीर पर बाल होता है। यह शरीर के बाल शिशु के उष्ण के लिए है और इसे लैनिगो कहते हैं। यह शिशु पैदा होने के पहले गिर जाता है। बच्चे के कान और कान के हड्डी बन जाता है और आपका नन्ना आपको थोड़ा बहुत सुन भी सकता है। आपके बच्चे के स्वर रज्जु यानी वोकल कॉर्ड भी अभी दिखता है। अब बड़ा होने के साथ साथ आपका बच्चा अब और भी काम शुरू करता है। अपने नन्ने मुन्ने हाथ को अपने मुंह में लगाकर चूसने की अभ्यास करता है, ताकि जन्म होते ही यह दूध पीने में सुलभ हो जाए। जब यह सब आपके कोप में हो रहा है, आपको बाहर से इसकी कोई एहसास नहीं हो सकता है। थोड़े महिलाओं में योनि से सफ़ेद निर्वाहन हो सकता है और यह चूट या श्रव जन्म नाली को इन्फेक्शन से दूर रखने में सहायक होता है। ये महीने की समाप्ति में आपका शिशु अब 4.5 इंच लंबा हो सकता है और दिन पर दिन बढ़ रहा है।